मौत की सजा पाए भारतीयों की अपील का समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इस बीच भारत ने कानूनी तरीके के साथ साथ डिप्लोमेटिक रास्ते से भी अपने नागरिकों को छुड़ाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। कानूनी प्रक्रिया से उनकी सजा रोकने की कोशिश जारी है, लेकिन उन्हें भारत वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति काम आ सकती है। यूएई में होने वाली COP28 की बैठक में 8 भारतीयों को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। जब मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर तमीम बिन हमाद, 8 भारतीयों की रिहाई पर बन जाएगी बात। कतर में मौत की सजा पाए 8 भारतीयों की सकुशल देश वापसी को लेकर पूरा देश चिंतित है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने एक कदम से पूरे देश को उम्मीद की नई किरण दे सकते हैं। दरअसल पीएम मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद के बीच अगले एक महीने में आमने सामने की मुलाकात हो सकती है। ये मुलाकात हो सकती है वर्ल्ड क्लाइमेट समिट यानी COP28 की बैठक के दौरान। कतर की कैद में मौजूद 8 भारतीयों की रिहाई के लिए भारत जहां तमाम कानूनी विकल्पों को तैयार कर रहा है, तो साथ ही कूटनीतिक और राजनीतिक कोशिशों के दरवाजे भी खुले रखे जा रहे हैं। ऐसे में एक महत्वपूर्ण मौका भारत के हाथ यूएई में होने वाली COP28 की बैठक के में लग सकता है। दुबई में होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे और साथ ही कतर के अमीर भी इस बैठक के लिए वहां पहुंचेंगे। ऐसे में दोनों नेताओं की मुलाकात से 8 भारतीयों के लिए रियायत का रास्ता खुल सकता है। संयुक्त अरब अमीरात में 30 नवंबर से जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन COP28 शुरू हो रहा है, लेकिन राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग का दौर 1 और 2 दिसंबर को होगा। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, जिसकी सहमति वो पहले ही दे चुके हैं। मीटिंग में दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष आने वाले हैं। चूंकि सम्मेलन यूएई में हो रहा है, तो खाड़ी के देश कतर के अमीर हमाद के भी पहुंचने की पूरी उम्मीद है। अगर तब तक कतर की जेल में बंद 8 भारतीयों की रिहाई पर कानूनी तरीके से जीत नहीं मिली, तो प्रधानमंत्री मोदी COP28 समिट में कतर के अमीर से आमने सामने बात कर 8 भारतीयों की रिहाई का मुद्दा उठा सकते हैं। लोग यही मान रहे हैं कि इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा, चाहे वो ईद पे या वहाँ के जो अमीर हैं, जो शेख हैं, उन जो शासक हैं, उनकी उनके जन्मदिन पर वो कैदियों को छोड़ते हैं या उनकी दंड कम करते हैं, तो उसमें अगर हुआ तो वो उनके लिए एडवांटेजेस हो जाएगा कि अगर वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल जाए तो उनको भारत लाया जा सकेगा या भारत की जेलों में रखा जा पाए। फांसी की सजा पाने वाले 8 भारतीयों की अपील पर 15 दिन का समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सजा के ऐलान के बाद से अब तक 6 दिन बीत चुके हैं और अपील के लिए अब 9 दिन का समय बचा है। 8 भारतीयों के पास कतर की ऊपरी कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील या पुनर्विचार याचिका दायर करने का विकल्प है। वहां पर भी अगर पक्ष में फैसला नहीं आता तो कतर की सुप्रीम कोर्ट यानी कोर्ट ऑफ सेसेशन में जा सकते हैं। इसके बाद कतर के अमीर के पास दया याचिका लगाने का भी विकल्प मौजूद है। मतलब सजा पर आखिरी फैसला कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी को ही करना है। कतर से कानूनी और राजनयिक बातचीत करने के लिए सरकार ने एक ऐसे वरिष्ठ राजनयिक को वार्ताकार बनाया है जिसे कतर में राजनयिक तौर पर काम करने का अनुभव है। अगर किसी तरह से भारत और कतर के बीच सीधी बातचीत से मुद्दा हल नहीं हुआ तो भारत तीसरे देश को इसमें शामिल करने से गुरेज नहीं करेगा, लेकिन ये विकल्प भारत के आखिरी विकल्प में से एक होगा। भारत की कोशिश है कि कानूनी विकल्पों के साथ साथ कूटनीतिक प्रयासों का दायरा भी बढ़ाया जाए। इसमें अमेरिका और फ्रांस भारत के लिए बड़े मददगार साबित हो सकते हैं। इन दोनों ही देशों के कतर के साथ काफी अच्छे रिश्ते हैं। इसके अलावा कुवैत और ओमान भी भारत के लिए बड़े सहायक साबित हो सकते हैं, ताकि कतर पर दबाव बनाया जा सके और 8 भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया जा सके। भारत और फ्रांस कतर के सामरिक सहयोगी हैं। अमेरिका का सैन्य बेड़ा कतर में मौजूद है, वहीं कतर ने भी फ्रांस से कई रक्षा सौदे किए हैं। ऐसे में भारत की आखिरी कोशिश होगी कि अमेरिका या फिर फ्रांस के जरिए कतर पर दबाव बनाया जाए। कतर भारत का कोई दुश्मन नहीं है, भारत के साथ उसकी दोस्ती है, आर्थिक रिश्ते हैं। भारत की करीब 40% गैस की सप्लाई कतर से होती है। करीब 7 लाख भारतीय वहां काम करते हैं। कतर के साथ अच्छे संबंध भी भारतीयों को छुड़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। प्रणय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।